हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल पूना। वेलकम इन डे 12 ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 केमिकल एंड केमिकल चेंजेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट केमिकल सिंबल्स, केमिकल सब्सटेंस, एटॉमिसिटी, केमिकल फॉर्मूला एंड कंपाउंड, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल चेंजेस की कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम chemical substance and in this video we will discuss chemical substance, atom, molecule, elements, compound and mixture. Then what is chemical substance? Chemical substance क्या है? जो atom और molecule से मिलके बनते हैं, ठीक है? What are chemical substance? The substance that are made from atoms एंड मॉलिक्यूल, जो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि एटम और मॉलिक्यूल से तो बनते हैं, वो व्हाट आर एटम एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल। लेट मी सी, व्हाट आर एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। मीन्स कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल होगा, मीन्स केमिकल सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल जो है उसे हम क्या बोलेंगे, एटम्स। नेक्स्ट वी सी, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या है? जो टू और मोर सिमिलर एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है? क्या है? मेड फ्रॉम टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट, ठीक है? ये क्या है? जो टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम से मिलके बनेंगे, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब एटम क्या है? केमिकल सब्सटेंस की सबसे छोटी और स्टेबल यूनिट। बट मॉलिक्यूल क्या है? टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम से मिलके जो बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है? अब जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। व्हाइल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ओके, जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। लेट मी सी टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे गोल्ड है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस के एग्जांपल। केमिकल सब्सटेंस एग्जांपल क्या है? गोल्ड, प्लास्टिक, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब केमिकल सब्सटेंस भी टू टाइप के होते हैं, ओके, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब केमिकल सब्सटेंस कौन से हो गए? जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे। अब कुछ तो इसमें से प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं और कुछ क्या है, मिक्सचर हो सकते हैं। अब जैसे देखो, शुगर है, शुगर आप सभी ने देखी है, शुगर के अंदर सिर्फ क्या होगा, शुगर के ही दाने होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। लेकिन मिक्सचर में क्या आता है, जैसे एयर है, एयर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज मिक्सचर, ओके। अब प्योर सब्सटेंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस पे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस के भी क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट भी आगे क्या क्या हो सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस।
एंड मिक्सचर. एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस इज शुगर, ठीक है, एंड मिक्सचर इज एयर. ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप फर्दर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल. अब एलिमेंट का एग्जाम्पल देखो, जैसे ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है. और कंपाउंड का एग्जाम्पल देखते, जैसे वॉटर है. वॉटर क्या होता है? H2O. इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो दैट इज कंपाउंड. लेकिन एलिमेंट्स है जो प्योर मेटल, जिसके अंदर ओनली वन ही एटम होगा, वो क्या है? टू टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल. ओके, लेट वी स्टडी इन द डिटेल. यहां से देखना है, हमने एटम, मॉलिक्यूल, टू डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. अभी हमने एलिमेंट का एग्जांपल देखा था, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जब अकेला एग्जिस्ट करता है तो उसे हम O2 ऐसे लिखते हैं. तो इसके अंदर क्या है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. अब देखिए, प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस. मींस जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, लेकिन उसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. एग्जांपल क्या है? सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन अभी हमने पहले राइट किया था, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स के एग्जांपल है. एटम ऑफ एन एलिमेंट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. ओके, और मे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल भी फॉर्म कर सकते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम जो है, ऐसे एलिमेंट हैं जो इंडिपेंडेंट एटम में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टी. हर एक एलिमेंट की क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी होगी, विच आर एग्जिबिट बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट. मतलब कि जो क्या है, उसके एटम और मॉलिक्यूल से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, दिस इज एलिमेंट. नेक्स्ट वी मूव ऑन कंपाउंड. एलिमेंट में तो क्या है? सिंगल सिमिलर टाइप के एटम है, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? प्योर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन. ठीक है, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है. एलिमेंट में तो क्या है? एक या दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, बट कंपाउंड में क्या होगा? टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करेंगे. अब जैसे वॉटर, हमने एग्जाम्पल देखा था, वॉटर क्या है? कंपाउंड का एग्जाम्पल है. तो किससे फॉर्म होगा ये रिएक्शन देखते हैं इसकी. H2+O2, इसके बाद क्या बनेगा? H2O. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ वॉटर, फॉर्मिंग द वॉटर. अब देखो, वॉटर ऐसे फॉर्म हुआ, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कंबाइन किया और वॉटर फॉर्म हुआ. वॉटर क्या है? कंपाउंड. बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है. अब देखिए, कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन. ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म होगा? कंपाउंड फॉर्म होगा. देखो, इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करेंगे. अब देखो, अगर हमने वॉटर को फिर से ब्रेक डाउन किया तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा. अब देखो, क्या फॉर्म हुआ था? वॉटर फॉर्म हुआ था, लेकिन किससे फॉर्म हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन तो क्या है? हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है. और हाइड्रोजन क्या है? अलग से गैस है. ऑक्सीजन क्या है? अलग से गैस है. ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन बन क्या गया इससे? वॉटर मीन्स लिक्विड. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इन
कंप्लीटली डिफरेंट हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी और इसे हम वापस अलग कर तो सकते हैं, बट ये क्या है, केमिकली कंबाइन होंगे, लेकिन डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते, केमिकली ही हमें कोई ना कोई रिएक्शन करवा के इसे अलग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन मिक्सचर की, व्हाट आर मिक्सचर, सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस सिंपली मिक्स टूगेदर, जिसमें क्या है, सिंपली हमने मिक्स कर दिया, कोई केमिकली रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हमने आयरन मीन्स लोहा प्लस सल्फर पाउडर, लोहा और सल्फर पाउडर को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद क्या होगा, दिस इज अ पाउडर दिस इज अ आयरन, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक पाउडर की तरह ही बन जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग कर सकते, तो क्या बना, पाउडर ही बना, प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। अब आयरन को यहां से हम अलग कर सकते हैं, यू नो आयरन को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय द मैग्नेट। हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उससे उसके ऊपर मैग्नेट को घुमाएंगे तो आयरन जो है मैग्नेट से स्टिक हो जाएगा और सल्फर पाउडर फिर से अलग हो जाएगा। मीन्स इसमें हमें किसी केमिकल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, पहले आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स कर दिया फिर उसे मैग्नेट की हेल्प से अलग कर लिया, तो दैट इज द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं आसानी से, कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी वापस से रिटेन हो जाती है। अब जैसे आयरन हमने इन दोनों के मिक्सचर से अलग कर लिया तो आयरन की प्रॉपर्टी तो आयरन वाली रहेगी ना, और सल्फर जो पाउडर है उसकी प्रॉपर्टी सल्फर पाउडर वाली रहेगी। मीन्स जो ये है मिक्सचर, अगर हमने उसे वापस से अलग कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो स्टूडेंट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक पेज नंबर 42 एंड 43। थैंक यू, बाय बाय।